प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत स्वागत है आपका। आज क्लास 9th का इंग्लिश जो विषय है उसमें अपन लेसन 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। कहानी है कुछ इस प्रकार कि जो एक टोटो जो है एक बंदर का सुंदर बच्चा। टोटो वॉज अ ब्यूटीफुल बेबी मंकी। एक बंदर का एक सुंदर बच्चा था। द स्टोरी रिलेटेड टू द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इन द राइटर्स हाउस। जो लेखक है उसके घर में तो टोटो की जो कथा है जो कुछ स्टोरीज प्रकार की है कि उसकी जो कथाएं हैं और उसकी जो जादू उसने जो कुछ जादू किया है, उसकी जो शैतान भरी हरकतें हैं, हाउ हिज वर्ल्ड मिस्चीवस एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर। उसका जो टोस द राइटर्स उसके जो ग्रैंडफादर हैं लेखक के, तो उसको लेकर आए थे उस बच्चे को। और कहाँ से लाए थे, जो एक टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर मीन्स एक तांगे वाले से लाए थे उसको। 5 रुपये में खरीद के लाए थे और उसको अपने घर पे रखने के हेतु लाए थे। उसकी जो शैतान भरी हरकतें हैं तो परेशान हो गया उसके ग्रैंडफादर और उसको सोची कि अब हम उसको सेल कर देंगे, उसको उसी को दे देंगे। तो स्टोरी इस प्रकार की है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखें। फर्स्ट है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। आंसर, ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल एंड हैड अ प्राइवेट जू ऑफ हिज ओन। ही हैड सीन टोटो अ प्रिटी बेबी मंकी विद अ टोंगा ड्राइवर हु यूज्ड टू कीप It tied to a feeding trough. The monkey looked so decided to make him a part of his private zoo. Thus, Toto came to grandfather's private zoo. Question number 2. Toto was a pretty monkey. Toto बहुत अच्छा लगता है. In what sense was Toto pretty? इसका मतलब क्या है? Answer: Toto had bright, sparkling. Mischievous eyes, उसकी आंखें बहुत चमकीली और शरारती, deep set eyebrows, white curly teeth, उसके जो हैं दांत जो मोतियों जैसे चमकदार, his dry pickled hand, a quick wicked fingers, a tail which not only added to his beauty but means उसकी जो पूंछ है वो इसके बिना तो वो सुंदर लग ही नहीं सकता, which not only added to his beauty but also worked एंड हिज थर्ड हैंड। उसका यानी जिसकी पूछ का जो वर्णन किया है यानी उसका वो तीसरा हाथ कह रहा था। हिज मिस्चीवियस नेचर, उसकी शैतान भरी जो है उसका स्वभाव है चंचल, एडेड चार्म टू हिज लुक्स अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग। आंसर, Toto was not only mischievous but also his mischievous were very expensive for the family. Had tore the expensive wallpaper, dressed, broke plates. Grandfather released that they could not afford such frequent losses. Means उसने इतनी शैतानी की टोटो ने कि प्लेट्स को तोड़ा उसने, वॉलपेपर्स खराब कर दिए, ड्रेस कपड़े खराब कर दिए उसने, और वो उस फैमिली के लिए बहुत क्या है, बहुत खर्चीला व्यक्ति मतलब खर्चीला टाइप का हुआ। इन फैक्ट ही वॉज अ चाइल्ड मंकी नॉट फिट टू बी अ पेट। सो ग्रैंडफादर गिव द अबव स्टेटमेंट। बच्चों, आज जो क्वेश्चन आंसर आपने सुने समझे, आप उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखिए और उसको याद कीजिए क्वेश्चन आंसर्स को, और जो कठिन शब्द हैं उनको भी आप लिखेंगे कॉपी में अपनी। थैंक यू।